आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं, वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, MCQs भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैब केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। यहां पर होता यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, या आयोडीन की उपस्थिति में या रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, CH3CH2COOH की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, Cl H HCl निकल जाएगा, बच जाएगा CH3 C, एक H बचा हुआ है, एक Cl लग जाएगा, COOH अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। इसी कंडीशन में हम फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। क्लोरीन के एक्सेस में रिएक्शन होगी, जब तब होगा कि और भी हाइड्रोजन अल्फा बचा होगा, उनका प्रतिस्थापन होगा, तो बन जाएगा HCl, निकल गया तो बच गया CH3 CCl2 COOH। इसमें दो अल्फा था, दो अल्फा हाइड्रोजन था, इसलिए दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ। अगर यही एग्जांपल, यही रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड के साथ हो तो यहां पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है और इन तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन बारी बारी से हो जाएगा या एक साथ हो जाएगा। अगर अधिकता में हो क्लोरीन तो तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और कमी में हो तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। हम इनका नाम लिख सकते हैं अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। ऐसे इसको बोलेंगे अल्फा अल्फा डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। इस तरह से इनमें आप करा सकते हैं रिएक्शन। तो यह है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्या बोलेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर या आयोडीन की उपस्थिति में या रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर अल्फा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। यह कह सकते हैं यह है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ के नाम से भी पूछा जाएगा, HVZ रिएक्शन के नाम से। मैं फर्स्ट परिवर्तन बता देता हूं, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड में आपको कई बार बताया जा चुका है, शायद इससे पहले का कन्वर्जन और बता दिए हमने आपको, एक ही बात कहे थे कि जो आप पढ़ाई करते हो, जो रिएक्शन आपने किया होगा वो रिएक्शन आपके दिमाग में चलेगा, तब ये काम कर सकते हो या फिर याद करना पड़ेगा। एग्जाम का भरोसा नहीं कि किस चीज को किस में परिवर्तन के लिए पूछा जाए, पर हम कुछ कॉमन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बता रहे हैं और ये क्या कर सकते हैं सोचना पड़ेगा। एसिटिक एसिड तो हम किस तरह सोचते हैं, एसिटिक एसिड ये है CH3COOH, फॉर्मिक एसिड ये है, ये हम पहले सोचते हैं कि भाई उनका फॉर्मूला क्या है।
अंतर क्या है? दोनों के बीच में अंतर है CH2 का, यानी कि एक कार्बन संख्या बढ़ी है, सॉरी घटी है ना, एक CH2 कम हुआ है। कार्बन को वहां से हटाना है। कार्बन को हटाने की जो विधियां हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने बोला है कि विकार्बोक्सिलीकरण है, डिकार्बोक्सिलेशन है, हमने पढ़ा है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन जो है क्या करते हैं, कार्बन की संख्या को कम करती है। इनमें से किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, पर किसका उपयोग करें जो ज्यादा आसान होगा। तो हम सबसे पहले काम करके देखते हैं, CH3 कार्बन की संख्या को मुझे हटाना है, कम करना है, तो मैं विकार्बोक्सिलीकरण यानी डिकार्बोक्सिलेशन का उपयोग करूं। तो डिकार्बोक्सिलेशन में क्या करेंगे, इसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो NaOH से रिएक्शन कराएंगे, तो ये निकल गया। देखो आप ये जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट को जिसकी जरूरत नहीं है, मैं उत्पाद के लिए लिखे ना लिखे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर लिखते हैं तो आपकी क्वालिटी नजर आती है कि आप में वो है, लेकिन बुक्स वगैरह में ये नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट आपको क्या मिला, CH3COONA। अब इनको सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इनके साथ गर्म करेंगे, ये डिकार्बोक्सिलेशन है। डिकार्बोक्सिलेशन ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन विकार्बोक्सिलीकरण, तब इनमें रिएक्शन हुआ इनके बीच में, देखिए क्या मिल गया, Na2CO3 निकल गया, बच गया CH4। CH4 इनकी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या निकल जाएगा, HCl, तो ये बन गया CH3Cl। मुझे फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो बहुत ही आसान सा रिएक्शन है कि मैं इनको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं। एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, NaOH से रिएक्शन करा दूं, KOH से करा दूं, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, तब ये NaCl निकल गया। अब क्या बच गया, CH3OH, ये जो बचा हुआ है इनका मैं यदि ऑक्सीडेशन करा दूं, यस, तो ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो H, तो ये H2O निकल गया इनके साथ, तो क्या बच गया HCHO, और भी ऑक्सीडेशन होगा, वैसे डायरेक्ट लिख सकते थे आप, तो माइनस प्लस HCOOH, एसिडिक एसिड से फॉर्मिक एसिड में कन्वर्जन हो गया। तो ये एक बात हुई। अब बोले सर इतना याद करना मेरे लिए भी बस की बात नहीं है, है ना, तो ये स्टेप बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो कोशिश करने पर ये होगा आपका, ये काफी प्रैक्टिस है ये रहता है, तो इनको आप समझ सकते हैं। यहीं पर अगर कोई प्रश्न आया कि भाई एसिडिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो देखो एसिडिक एसिड से मैंने स्टार्ट किया, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त किया। बोलो, यह भी प्रश्न हो सकता है कि भाई एसिडिक एसिड से आप मिथाइल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, ये भी हो जाएगा, तो वो बीच की चीजें, एसिडिक एसिड से मीथेन कैसे प्राप्त करोगे, ये भी, तो कई बातें एक साथ सीखने को मौका मिल जाती है अगर एक चीज को अगर ठीक से समझता है तो, ठीक है। तो चलें आगे, नेक्स्ट एक और समझाता हूं मैं आपको, बी इसका अपोजिट कर देते हैं, फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड। हाँ भाई एक बात बता दें, कोई जरूरी नहीं होता है कि जिस स्टेप का मैंने पालन किया है दूसरी जगह भी वही हो, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं, पर आपका मेन उद्देश्य पूरा करना है, इसलिए कोई जरूरी नहीं होती कि जैसा मैंने लिखा वही लिखेंगे या जो बुक ने लिखा वही लिखेंगे, आप अपने तरीकों का पालन कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि ये रिएक्शन संभव होना चाहिए, इनके बीच ये रिएक्शन संभव होना चाहिए, ऐसे ही रिएक्शन संभव होना चाहिए, नहीं तो वो जंप नहीं कर सकते आप, ठीक। तो चलिए हम यहां पर देखेंगे फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला तो जानते ही है, और एसिडिक एसिड, तो इनमें क्या हुआ, बढ़ा है कार्बन, बढ़ा है CH2, बढ़ा है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको बोलते हैं चलिए श्रेणी आरोहण अवरोहण, दो शब्द आता है इसमें, है ना। चलिए यहां पर काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, बढ़ाना है, तो हम एक काम करें कि इसमें जब भी कार्बन जोड़ना हो तो पोटेशियम साइनाइड को लगाना पड़ता है, यानी कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए पोटेशियम साइनाइड की जरूरत पड़ती है। तो पोटेशियम साइनाइड कैसे जुड़ेगा, तो कोई एल्केल हैलाइड बनेगा तब जुड़ेगा, तो एल्केल हैलाइड बनाने की तक की प्रोसेस करें, तो क्या कर सकते हैं, देखिए मैं इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहता हूं,
इसको फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूंगा, तब जाकर के ये एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहली बात है, मैं इसको फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा, तो HCOOH इसका रिएक्शन मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराऊंगा, तब जाकर के ये कैल्शियम फॉर्मेट बनाएगा। टू टाइम्स ले लूं तो क्या बन गया H2O, तो क्या बनेगा HCOO ट्वाइस CA। इसको सुखा करके शुष्कासन कराऊंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। तो अब देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हुआ। फॉर्मेल्डिहाइड का यदि मैं अपचयन करा दूं, अपचयन करा दूं यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दूं, तो ये क्या बन जाएगा HC, हाँ, तो CH3OH। अब तो इजी हो गया, HI से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा आयोडाइड। बोलो मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराने हैं, तो हो गया CH3I। अब पोटेशियम साइनाइड से मैं इजीली रिएक्शन करा सकता हूं ताकि कार्बन प्रवेश कर सके, तो ये मिल गया के आई निकल गया CH3CN। अब जो है मुझे एसिड में कन्वर्ट करना है, ना कि एमाइन में। एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसका जल अपघटन कराऊंगा, HOH CH3CONH2 नहीं CH3। देखो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाँ, तो ये OH हो गया, ये H हो गया। अब इनका क्या होगा H2O के साथ रिएक्शन, NH3 निकल गया, बन गया CH3COOH। ये कन्वर्जन का दो रिएक्शन आप इसमें से याद रखें, ये बहुत सारी जानकारियां देगी, ठीक है। तो इस तरह से, और मैं दो नाइट्रोजन परिवार से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों में भी परिवर्तन का बता देता हूं, ताकि उसमें कभी एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, मिथाइलेमिन से इथाइलेमिन, इथाइलेमिन से मिथाइलेमिन में कन्वर्जन, तो उसको मैं बताऊंगा आपको। मिथाइलेमिन से इथाइलेमिन ना, मैं परिवर्तन, चलो कर लो। सोचने वाली बात है कि क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि भैया इसका फॉर्मूला है क्या, ठीक है। CH2 बढ़ा है, कार्बन की संख्या बढ़ा है, तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो पहले अपनाए थे। अब सवाल ये है कि जो मिथाइल एमीन है वो एल्किल आयोडाइड या मिथाइल आयोडाइड में कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब तक आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कि KCN का रिएक्शन करा नहीं सकते हैं, आयोडाइड हो या जो भी हैलाइड में कन्वर्शन करना है। तो पहले तो एल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा। एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, आपने पढ़ चुके हैं कि नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऐसा होता है। और नाइट्रस अम्ल कहां से प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना HNO2, HNO2 अल्फा हाइड्रोजन H2O नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2OH बचा है CH3 के साथ, तो मिल गया CH3OH। अब इसको बड़ी आसानी से HI से रिएक्शन करा करके हम मिथाइल आयोडाइड बना सकते हैं CH3I, और इनका रिएक्शन कार्बन जोड़ना है तो KCN। उद्देश्य क्या है वो ध्यान रखते जाइए, तो क्या मिल गया KI निकल चुका है, CN CH3 CN बन चुका यार।
अब रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में क्या करेंगे, SN Cl 2 प्लस HCl या कोई दूसरा। अब देखिए SN Cl 2 के साथ भी करा सकते हैं, SN प्लस HCl के साथ करा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं CH3CH2NH2 इथाइल एमीन, बन गया इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन में परिवर्तन, दो कार्बन से एक कार्बन वाले एमाइन में परिवर्तन, कार्बन की संख्या कम करना है। देखते हैं CH3 CH2 NH2, कार्बन की संख्या को कम करने के लिए हमें किस विधि का पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे विकार्बोक्सिलीकरण है, डीकार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो फिर मीथेन बन जाएगा, दूसरा है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ऐसा करने पर एमाइन मिलेगा, छोटा एमाइन, स्मिट रिएक्शन इसका उपयोग करेंगे तो भी छोटा एमाइन मिलेगा, कार्बन की संख्या कम होती है, तो हम स्मिट रिएक्शन या हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं। चले तब उसके लायक बनाना पड़ेगा, हाफमैन ब्रोमामाइड का रिएक्शन कराना होगा तो हमें एमाइड बनाना होगा, और स्मिट रिएक्शन कराना होगा तो एसिड बनाना होगा, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें आसान होगा कि हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, तो देखें अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो अल्कोहल में कन्वर्शन अभी बताया था मैंने, ये इसका जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या है, HNO2 निकल गया, H2O, N2 निकल गया, बन गया CH3CH2OH, बन गया अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा आसानी से, तो क्या बन गया CH3CHO, एसिड भी बन जाएगा CH3COOH। अब स्मिट रिएक्शन का उपयोग कर सकते हो आप, यहां से हाइड्रोजोइक अम्ल से रिएक्शन करा करके आप कर सकते हो, या हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करा सकते हो, यहां पर दो दो ऑप्शन है आपके पास। मैं यहीं से इसको हाफमैन ब्रोमामाइड के रिएक्शन की तरफ ले जाऊंगा तो मुझे करना पड़ेगा अमोनिया से रिएक्शन, तो CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, इसको गर्म कर दूं यार मैं, OH2O बच गया हमारे पास CH3CONH2, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, Br2 प्लस KOH के साथ इनको गर्म करेंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया CH3NH2। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या है, बातें करूंगा थोड़ी देर में, बस यह है कि उसका एमाइड में से CO पार्ट निकल जाती है कार्बोनेट के फॉर्म में, कैसे होगा वो बताएंगे थोड़ी देर में, याद दिला दें मुझे। अगर आप ये रिएक्शन नहीं कराना चाहते हो तो यहीं से एक दूसरा रिएक्शन भी संभव है, वो भी बता देता हूं, CH3COOH HN3 हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे 60-70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यह कल या परसों बात हुई थी इसके बारे में जी। इसमें CO2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूं CO2 निकल गया,
एन टू निकल गया, एन एच बचा है, एच बचा है, सी एच थ्री बचा है, सी एच थ्री एन एच टू। आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है कि एक बुक में लिखा वही लिखेंगे, और भी अपने रास्ते अपना सकते हो, पर वो रिएक्शन राइट होना चाहिए, वो रिएक्शन होना चाहिए, कुदरत वो काम करे तब सही है। आपके शरीर में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर जो दवाई देता है वो सपोर्टिंग है, कहीं पे कट छट जाती है, एक्सीडेंटली अगर हड्डी टूट गया, बोन टूट गया, तो इसका मतलब नहीं डॉक्टर जाकर कैसे प्लास्टर लगाकर उसमें क्या बोलते हैं कुछ गोंद या ग्लू लगा कर जोड़ते हैं, वो बस रखते हैं उसको, इसको रखते हैं बस। उसके बाद हमारा शरीर उस पर काम करता है कि वो आपस में एक दूसरे को जोड़ ले, हड्डियों में एक खास बात होता है कि वो एक दूसरे को जोड़ लेती है, वो शरीर काम करता है तो वो जुड़ जाता है। आप समझते होगे कि डॉक्टर वो कुछ नहीं कर सकता है जो कुदरत ना चाहे, समझ रहे हो, कुदरत चाहती है इसलिए वो होता है, कुदरत में वो होता है, वो घटना होती है, नहीं तो फिर कोई भी आदमी मरता भी नहीं। साइंस इतना रोक सकता था इनसे बड़े बड़े लोगों को जिनके पास इतने पैसे हैं कि पर डे वो कम से कम 1 करोड़ तो खर्चा कर सकता है अपनी जिंदगी के लिए, एक दिन में 1 करोड़ खर्चा कर सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं तो मरते नहीं। फिर बोलिए क्यों, हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं कि हम उस बुढ़ापे को, हमारे शरीर की उस कमजोरियों को खत्म कर दे जाए, नहीं कुदरत में ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो यही बात बता दें कि कुदरत जो चाहती वही करते, तो सपोर्ट करता है हमारी जो औषधियां हैं वो सपोर्ट करती है हमारे लाइफ को। चलिए इसी तरह से कन्वर्सन के बहुत सारे कन्वर्सन आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो वो कोई भी हो सकता है, आपको वो काम करना हो सकता है इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। जैसे इथाइल एमीन से आप क्या बोलते हैं अमोनियम एसिटेट कैसे बनाओगे, है ना, क्या बोलते हैं एसिटामाइड कैसे बनाओगे, एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाओगे, एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे, अल्कोहल कैसे बनाओगे, इथाइल अल्कोहल, तो बहुत सारी बातें हो सकती है, ठीक है। तो उनके लिए आप जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो 4 कन्वर्सन बताए हैं वो काफी आपके लिए जरूरी है, इन पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है इसको समझेंगे। RCONH2 amide ब्रोमीन को हटाने के लिए KOH अल्कोहलिक के साथ गर्म करते हैं, तो ये ब्रोमीन KOH के साथ निकल जाएगा 2 times KBr। ये CO कार्बोनेट बन के निकल जाएगा। मैं सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं ना, मैकेनिज्म टाइप का रिएक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं वो रिएक्शन बता रहा हूं जिसे आप इसको याद रख सकते हैं, इसके रिएक्शंस को हमेशा के लिए। KOH लाइट कम क्यों लग रही है, क्या निकल गया, K2CO3 अल्कोहलिक है साहब, OH 2 times उधर जो बचा है उसको देख लीजिए, RNH2 यही तो बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। मैंने दिया था CH3CONH2 फाइनल रिजल्ट CH3NH2। रिएक्शन की बात होती है तो Br2 4KOH gives 2KBr plus K2SO4 plus 2H2O plus CH3NH2। क्या हो गया, अच्छा ये ना भावनाओं में बह गया था। तो इसके लिए अगर आप थ्योरी लिखें भी तो क्या लिखें बोलो, किसी एमाइट को ब्रोमीन तथा अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर प्राइमरी एमाइन प्राप्त होता है, मूल प्रोडक्ट जो होता है
उसी को लिखा जाए। ठीक है, बोलो क्या बोलोगे? एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। क्या आप पढ़ चुके हैं? क्या होता है बोलिए? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेट HCl की उपस्थिति में RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनता है। OH H H2O, तो क्या बन गया? RCOO R डैश एस्टर बनता है। अगर आपके पास कोई एग्जांपल लेते हैं तो हम नॉर्मली एसिटिक एसिड यूज करते हैं, चलिए C2H5OH कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में H2O कहां से हुआ? H और OH। देखिए आपको मैं बताया था थोड़े दिन पहले कि इसका OH यूज होता, तो क्या बना? CH3COO C2H5 इथाइल एसिटेट। दोबारा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका मैकेनिज्म बताने वाला हूं। मैकेनिज्म क्या होता होगा? यहां पे होता यह है कि एसिड एसिड सबसे पहले जो इनसे प्राप्त होने वाला H प्लस है उनसे मिलकर के प्रोटोनाइज हो जाएगा। कहां पर होगा? यहां पर होगा। एक एच, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको चला गया तो क्या हुआ? आर ओ एच तो है ही, ओ देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन था, एच प्लस था, इलेक्ट्रॉन आया उदासीन हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इस तरह से ये बन गया इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बन गया जरा बताओ? ये प्रोटोनाइज हो गया, प्रोटोनाइज क्या एसिड बन गया। ठीक है, अब इसको कैसे? हाँ, और यहां पर तो डबल बॉन्ड जो है वो रह गए ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब इनके पास अल्कोहल आर डैश ओ एच आता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन की कमी इस जगह पे है, देख रहे हैं आप? तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती वहीं पर क्या होता है? अटैक होता है। ठीक है, पर होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे चला जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी यहां पे है, इलेक्ट्रॉन की कमी इस जगह पे है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या बन गया? देखो तो आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, इधर क्या है? ओ एच। आप चाहे तो जैसे भी लिखना चाहो, ऐसे में लिख दिया, इनकी पूरा हो गई, कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन भरेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जरा देखो तो ओ आर डैश तो है ही, एच भी है, पर यहां पर प्लस चार्ज और ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? यहां पर देखिए, यहां पर प्रोटॉन जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला है तो H प्लस बनेगा। चलिए मैं दिखाता हूं, R C O H O H, इनमें से दोनों में से किसी एक के पास ये चला जाएगा, कौन? H प्लस। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना भाई, तो इनसे इनके पास आ जाएगा, तो कैसे आया? इनसे H प्लस जो आया है वो इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये उदासीन हो गया, ऑक्सीजन को पॉजिटिव कर दिया है, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहां पर क्या चीज है अभी आपके पास? ओ आर डैश। ठीक है, अब क्या होना है वो सब जरा सोचो, इस जगह पर ध्यान दें, यहां पे, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे चला जाए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाए तो क्या बन जाएगा? H2O।
निकल गया, कार्बन पॉजिटिव हो चुका है, कार्बन पॉजिटिव हो चुका है, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, आर ओ डबल बॉन्ड, ये प्लस ओ एच, यहां पर है ओ आर डैश, एस्टर बन चुका है, जो एच प्लस इन्होंने ग्रहण किया था इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी कि इस जगह का ये वाला इस जगह पर मूव हो जाती है जब HSO4 इनसे लेने आता है, तो उसको वह H प्लस दे देता है, रिमूव हो गई माइनस चार्ज, माइनस चार्ज नहीं प्लस चार्ज, माइनस H प्लस निकल गया, बच क्या गया जरा देखें, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, इस प्रकार से बन जाता है एस्टर। तो यह है इसका मैकेनिज्म, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक और बात है कि रिएक्शन जो इस टाइप का होती है ना वो रिवर्सिबल रहती है ना, तो सब जगह रिवर्सिबल लगा दीजिएगा, ठीक है, प्रोटॉन के जोड़ने को प्रोटोनेशन कहते हैं, प्रोटॉन को हटने को डी प्रोटोनेशन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हुआ उसको अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, और अगर ट्राइड या डाइड सिस्टम में रहा तो उसको चलावेता कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं, तो वो स्टफ्स देख लीजिएगा क्या क्या, तो उनको वर्ड्स में दे सकते हैं, नहीं तो फिर ओनली आप लिख सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना आए इसके लिए। चलो मैं आगे बोलूं, एक बात है, मेरा मानना है कि जब क्वेश्चन पेपर को इजी बनाना होता है तो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहां पर थ्योरी लिखी हुई, जहां पर समझाई गई, वहां पर भी और बाहर उनके क्वेश्चन पूछते हैं वैसे के वैसे, ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर को थोड़ा कठिन बनाना होता है तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में, और थर्ड जब क्वेश्चन पेपर को बहुत कठिन बनाना होता है या कुछ क्वेश्चंस को कठिन क्वेश्चन देने होते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस का एक दूसरा रूप देते हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कौन से होते हैं जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तब क्या करना चाहिए, तब काम करना चाहिए कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसमें जो क्वेश्चंस हैं अभी जो इतना पढ़े हो उस सबका उपयोग करते हुए उनमें जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को ओपन करिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है इस चैप्टर की शुरुआत में ही आता है, वो है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, मैं यहां पर वो क्वेश्चन लिख देता हूं, आप ऊपर का हेडिंग लिख लीजिएगा, मैं आपको यहां पर उस कंपाउंड का नाम लिखता हूं, निम्न यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, लिखा हुआ है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड, ये लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे हैं मैं एक करके बताऊंगा, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड। अब यहां पर कितने बच्चा है जो बता सकता है इसको, बोलो, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड, हमेशा ध्यान रखा करेंगे लास्ट जो नाम होता है उससे स्टार्ट किया करें, प्रोपियोन एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, प्रोप मतलब तीन कार्बन, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का, तो एक दो तीन ये प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। अब अल्फा बीटा गामा तो जानते हो सर, तो अल्फा कौन सा होता है, क्रियात्मक समूह को छोड़ करके अगला वाला, तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा पर है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी का मतलब क्या हुआ, CH3O बाहर नहीं जाएगा। अब इस तरह से जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो लिख दीजिए, CH3 हो गया और इसमें कितना एक एच आएगा, हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यही पूछेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है, ये एक रास्ता बना दिया कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, IUPAC में एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है, जिसका पूरा डिटेल अगर IUPAC पढ़ना है तो आपको मैंने YouTube में पूरी वीडियोस दे दिए हैं और अनअकैडमी में भी वीडियोस दे दिए हैं कि आप किस तरह से इनको याद कर सकते हैं, किस तरह से इसको समझ सकते हैं, किस तरह सीख सकते हैं, पूरा का पूरा रेंज दिया है मैंने, ठीक है, अनअकैडमी में तो फुल भर के दिया है मैंने एक एक बातों को, तो वो आप वहां से कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप यहां पे अब बोलेंगे सर यहां सिखाओ, तो मैं तो आप जानते हो कि IUPAC एक ऐसा छोटा सा खेल नहीं है कि बस ऐसे बताया और हो गया, फिलहाल मैं यहां पर इनके आंसर बता रहा हूं। सेकंड लिखा है 3-hydroxy butanal
क्या है? नहीं, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाली बुक है तो, लेकिन आप इंग्लिश में ही आप उसको चीज को उच्चारण करिए तभी जाके अच्छा करेंगे। वहां पे लिखा है 3-hydroxybutanol। अब इसका तुम क्या अर्थ निकालोगे तुम जानोगे, क्योंकि इस जगह पे मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। कुछ बच्चे इसको नॉल पढ़ सकते हैं तो वो अलग चीज हो गई, ब्यूटेनल पढ़ सकते तो अलग चीज हो गई। तो इन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश किया है ए लगा करके कि ये ए है ना। चलो आगे चलते हैं। ब्यूटेनल, ब्यूट एंड अल, सिंगल बॉन्ड एल्डिहाइड, 1, 2, 3, 4 और ये CHO, 1, 2, 3, 4 इस जगह पर हाइड्रोक्सी है, बाकी हाइड्रोजन जितने रिक्वायर है वो लगा दे, CH3, CH, CH2। समझ रहे हैं? तो या तो संरचना सूत्र वाला पूछेंगे या फिर नाम पूछेंगे IUPAC। संरचना सूत्र बनाना आसान, जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूं बहुत आसान है, इससे नाम से नाम बनाना में बनाने में तकलीफ हो सकती है। और फिर क्वेश्चन थर्ड है 2-hydroxycyclopentane कार्बल्डिहाइड, 2-hydroxycyclopentane साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, क्या मतलब हुआ? स्पेशल सफिक्स, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जब रिंग में आते हैं तब स्पेशल सफिक्स का उपयोग किया जाता है, CHO, COOH, CONH2, COCl इस टाइप की चीजों के लिए। ये जब एक चेन में एक से अधिक बार आते हैं, सॉरी तीन से अधिक बार या दो से नहीं, तीन से अधिक बार आते हैं, तीन या तीन से अधिक बार आते हैं कब एक चेन में, तब भी स्पेशल सफिक्स का यूज किया जाता है। कुछ एक स्टूडेंट है मेरे 11 पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। तो वैसे ही कुछ है, साइक्लोपेंटेन इसका मेन चेन है, 5 कार्बन, कार्बल्डिहाइड CHO, 2-hydroxy 1, 2, 3, 4, 5 टू पर OH, यह इसका स्ट्रक्चर। ऐसे ही और भी है जिनको मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप बना के लाएंगे, लिखो 4-oxopentanol, ये नंबर कौन सा आएगा, 4-5-diadiutylketone, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या लिखा हुआ, कीटोन। सिक्स 4-chloroacetophenone, आप इन तीन, मैंने कितना, 3 बना के दिखा दिया, 3 आपको बना के लाना है, ठीक है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहा है, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले YouTube में जाकर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें, फिर आप, अब आप YouTube बंद कर दीजिए, फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहां पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जाकर के
आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।